मैं कह रहा हूं। इंद्र पूजा, देखो पूजा, प्लीज समझने की कोशिश करो। शुरू में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर अचानक ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ बस में नहीं रहा। ये सब तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। ये बात मुझे भीतर ही भीतर खाई जा रही है। ना मैं काम कर सकता हूं, ना मैं सो सकता हूं, रात रात भर पागलों की तरह जागता रहता हूं। मेरा कलेजा पड़ जाएगा, बर्दाश्त नहीं होता पूजा, बर्दाश्त नहीं होता। पूजा, कुछ नहीं। हाथ मत लगाओ मुझे। हेलो जी, गुलशन जी, वो एक मिनट आपसे। यार अंदर आओ यार, अंदर आओ। वो बैठो, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहा है। मैडम शूटिंग छोड़ आई हैं, आपसे फोन पे बात करने के बाद एकदम घबरा सी गई हैं। अरे यार कौन सी नई बात है, होता रहता है, तुम तो जानते ही हो। कहाँ है इस वक्त मैडम जी? नीचे गाड़ी में, एक मिनट आपसे मिलना चाहती है। पूजा मैं नीचे से अभी आता हूं। पूजा, यू सो एंड सो, कहाँ हो तुम? पना तुम अभी आ जाओ यहाँ।
इसी वक्त। क्या बात है पूजा? तुम्हारा मैं बताती हूँ, प्लीज पढ़ना। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग पूजा, मैं आ रही हूँ। हाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा, इंदर ऐसे कर सकता है? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला पूजा, अपना सामान बांधो और चलो हमारे साथ, दो दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे, खुद आएगा भागा भागा। नहीं पन्ना, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसका अपना घर है, इसलिए इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। पूजा, ऐसे रिश्ते ज्यादा देर नहीं टिकते। वो वापस आएगा? पूजा, घर की दीवारें इतनी कच्ची नहीं होती, इतनी आसानी से नहीं टूटती। 7 साल का रिश्ता है तुम दोनों का, हौसला रखो। लेकिन अनिल, मैं पूजा को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। मैम साहब, मैं रहूंगी ना इनके साथ। चलता हूं। इंदर प्लीज, मुझे सिर्फ दवा लगा दे दो, फिर तुम चले जाना। ओके? ऐसा क्या हुआ है मुझे? हाँ, मामूली सी चोट तो लगी है। तुम लोग खाम खाम। इंदर प्लीज, मेरी कसम है तुम्हें, प्लीज। लो, करो जो कुछ करना, करो। चाहिए मैम साहब? दरवाजे की घंटी बजी क्या? नहीं तो अरे, ये नींद में भी अंगूठा चूसती है क्या? फिक्र ना करो मैम साहब, भगवान सब ठीक करेगा। सो जाओ। पूजा, मुझे कविता सानियाल के घर ले चलो, इंदर से मिलना है। तुमने भी ये बात मुझसे छुपाई रखी, तुमने भी। चले पूजा, क्यों अपना पग गिराना चाहती हो? देखो तुम यहीं ठहरो। मुझे अपने पति से मिलना है। इंदर, शुरू से यही बात तुम्हें समझा रहा था मैं, बार बार। काश तुमने मेरी बात मान ली होती तो। जिस दिन का दर्द था इंदर, इसी दिन का। कहाँ है पूजा? बाहर टैक्सी में। ये क्या किया तुमने? उसे यहां क्यों लेकर आए? और मैं क्या करता? ने तुमने पूजा की हालत देखी है? चीज इंदर, वो खुद ऊपर आने वाली थी। क्या उम्मीद करते हो मुझसे? क्या कर सकता हूं मैं? इंदर ये पागलपन छोड़ो, घर चलो प्लीज, बहुत हो चुका। नहीं हरीश, मैं फैसला कर चुका हूं। अपने ये फैसला बाहर जाकर पूजा को सुना दो। पूजा को ऑफिस ले जाओ, मैं वहां आता हूं। प्लीज प्लीज हरीश।
हरीश, दलीप आने वाला है, उसके साथ बैठकर फैसला कर लो। ये रोज रोज की झिकझिक खत्म हो जानी चाहिए। मुझसे क्या गलती हुई इंदर? मैं कहाँ भूल कर बैठी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम मुझे प्यार करना छोड़ दोगे। मैंने तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ा पूजा, फर्क कितना पड़ गया है कि मैं कविता से भी प्यार करता हूं। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर यतीम खाने में पहुंच गई। मुझे बहुत डर लग रहा है इंदर। पूजा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पास घर है, बैंक में पैसा है, और हम अब भी दोस्त हैं और सदा रहेंगे। कविता के बावजूद भी हमारी दोस्ती में फर्क नहीं पड़ेगा। इंदर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। चलो यहां से कहीं चलते हैं दूर, एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। जो कमी थी, कमजोरी थी, कोशिश करूंगी वो ना रहे। एक मौका और दे दो इंदर। नहीं पूजा, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं कविता के साथ ही रहूंगा। इसी में हम सबकी अच्छाई है। कविता, मैं पूजा बोल रही हूँ। देखो, फोन मत रख देना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, इंदर को मत बताना मैंने फोन किया। तुम सुन रही हो ना? हाँ, बोलो। देखो, तुम औरत हो, मेरी बात आसानी से समझ सकोगी। कविता, मैं बिल्कुल अकेली हूं। इंदर के सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम सुन रही हो ना कविता? प्लीज, मेरे इंदर को मुझसे मत छीनो। उसके बिना मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी? मैं, तुम सुन रही हो ना कविता? कविता, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं। कविता, इंदर को मेरे लिए छोड़ दो। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं इंदर के बगैर, दो हफ्ते हो गए इंदर अब तक घर नहीं आया, फोन भी नहीं किया उसने। बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। पूजा, इतना नहीं सोचते, मन को जरा ढीला भी छोड़ना होता है। इस तरह कैसे कैसे रहने से बहुत कोशिश करती हूँ पर ना, लेकिन कुछ बस में नहीं है। पूजा, उस घर की चार दीवारों में एक कोशिश करना फजूल है। उस घर में हर चीज इंदर की याद से जुड़ी हुई है। कुछ दिनों के लिए तुम ये क्यों नहीं तय करती हो कि तुम बाहर जाओगी, नए लोगों से मिलोगी, खुश रहने की कोशिश करोगी? हाँ पूजा, चलो, आज रात ही को एक पार्टी का इनविटेशन है, बहुत अच्छे लोग होंगे वहाँ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं पन्ना। हाँ पूजा, आप इस पार्टी में जा रही हैं, ये तय हो गया। अब आप एक काम कीजिए,
हमारी गाड़ी में आप चले जाइए, चेंज करके पार्टी पे पहुंच जाइए। हमें एयरपोर्ट जाना है किसी को रिसीव करने, हम वहां से सीधे आ जाएंगे। हाँ पूजा।